एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, हम देख लेते हैं। हमें चाहिए पनीर, यहाँ पे हमने आधा किलो पनीर लिया हुआ है। टमाटर, यहाँ पे हमने 5 बड़े टमाटर रफली चॉप करके रखे हुए हैं। 2 छोटे प्याज, प्याज को भी हमने रफली चॉप किया हुआ है। और ये हमने बटर लिया हुआ है, क्रीम है, काजू। और मसाले में हमने हल्दी ली हुई है, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, पिंच ऑफ शुगर चाहिए हमें। और ये कुछ खड़े मसाले में हमने 2 तेज पत्ता लिए हैं, 1 दालचीनी ली है, 2 बड़ी इलायची ली है काली, और 3 से 4 यहाँ पे हरी इलायची है, और 3 से 4 लौंग। तो शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाल देंगे, और ये बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। देखिए बटर मेल्ट हो गया है, तो ये खड़े मसाले भी हम इसमें डाल देते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, और ये 3 से 4 लौंग, और साथ ही साथ हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को पहले 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हम इस तरह से भून लेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे हम, और टमाटर के साथ में ही जो काजू हमने लिए हुए हैं वो डाल देंगे। काजू भी हमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए इसको। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। इसका हमें एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना होगा। इसको हम कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको इस तरह से छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद इसे ओपन कर लेंगे, और ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। और गैस बंद कर देंगे हम, साथ ही साथ इसमें ये पिंच ऑफ शुगर हम ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर इसका हमें एक बहुत ही सिल्की और स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट हम बना लेंगे। ये हमने एक स्मूथ पेस्ट इसका रेडी कर लिया है। मिक्सी में हमने इसको पीस के और छन्नी की मदद से छान के रख लिया है। तो अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर कढ़ाई में हम बटर डालेंगे। यहाँ पे मैं बटर का यूज कर रही हूँ, आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप देसी घी में भी इसको बना सकते हैं। तो बस अब ये बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, और अब साथ ही साथ इसमें हल्दी ऐड करेंगे हम। हल्दी ऐड करने के बाद में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, और उसके बाद में जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था ये हम इसमें डालेंगे। अब इसमें कुछ मसाले हम और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये धनिया पाउडर हम इसमें डाल देते हैं, और ये जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे, 1 चुटकी गरम मसाला,
और इस तरह से सभी मसालों को डालकर हम मिला देंगे। और अब साथ ही साथ इसमें नमक ऐड करेंगे हम। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें ऐड करना है। और अब इसे कवर करके 5 से पहले 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद इसे ओपन करेंगे हम और ये बढ़िया ग्रेवी बनके रेडी हो गई है। गैस बिल्कुल धीमे कर देंगे हम और इसमें ये पनीर डालेंगे हम। पनीर डालने के बाद में इस तरह से मिला देंगे एक बार और साथ ही साथ इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। और ये जो कसूरी मेथी ली हुई है ये भी हम सेम टाइम पे ऐड करेंगे इस तरह से रगड़ते हुए दोनों हाथों से। इस तरह से मिलाकर और फिर 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे और ये शाही पनीर बनकर रेडी हो जाएगा। अब वापस से हम इसे कवर कर देते हैं। 5 मिनट हो गया है, इसे ओपन कर लेते हैं। ये गर्मा गर्म शाही पनीर बनकर रेडी हो गया है तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। शाही पनीर बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।